स्टार्ट करते हैं यार एक्सरसाइज 9.4 का इंट्रो पार्ट में एग्जांपल कवर करेंगे और क्लास 11 देखते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज हैं, वो एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, स्पेशल टाइप है कुछ, लेकिन अब उनका एंड टर्म तक सम कैसे फाइंड करेंगे, तो उनके प्रूफ भी देखेंगे, जुगाड़बाजी देखेंगे कैसे करके क्या है। तो एक तो ये है सिंपल वाली, तो हर किसी को पता है कि 1+2+3 ... एन टर्म्स, तो इसका सम होता है n(n+1)/। इसका प्रूफ बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो एपी बन रही है, एपी के एस एन का फॉर्मूला लगा दो यही आ जाएगा। दूसरी स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ... n² इसका सम होता है n(n+1)/6 इसका ये होता है, ठीक है जी। तीसरी होती है 1³+2³³ ... n³। ये क्या होता है, जो इसका इसी को लिख दो, बस स्क्वायर लगा दो बाद में, बस इनका प्रूफ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इनका मीनिंग समझ लो क्या है। कि अगर कभी कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है भैया ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, ठीक है, तो आपको चेक करना है नंबर ऑफ टर्म कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में एन की जगह 6 रख दो, बस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में एन की जगह 6 रख दो, सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो आप ऐसे मत करना कि 1, 2, 3, 4, 5 एन की जगह 5 रख दो, ना, ये जो सीरीज है इनकी कंडीशन है कि 1 से शुरू होनी चाहिए, ये इनकी कंडीशन है कि भाई ये सीरीज जितने भी सारी 1 से शुरू है। ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे हमने कहा इसका सम फाइंड करना, तो आप काउंट करो कि 1, 2, 3, 4 एन की जगह 4 होगा, ना, ये सीरीज एक कंडीशन है कि अगर 1 से स्टार्ट होती हैं तभी ये होगा। तो कभी कोई आपसे ये पूछता है कि भैया इसका आंसर बताओ यार क्या होगा, इसका 10² करेंगे भी आगे हम लोग, कि भाई इसका बताओ क्या होगा, तो ऐसे मत कर देना 1, 2, 3, 4, 5 रख, नहीं बिल्कुल इसे ऐसे करेंगे, इसका मुझको सम फाइंड करना है। तो क्या मैं ये कर दूं 1² 2² 3² ... 14² इसमें से माइनस कर दूं 1² + 2² ... 9² ठीक है ना। हमको अब ये 1 से लेके 14 तक n की जगह 14 रखना, यहाँ पर 1 से लेके 9 तक n की जगह 9 माइनस कर देना, मतलब अगर 1 नहीं है तो जुगाड़बाजी करके 1 बनाना पड़ेगा हमको, क्लियर है। तो ये पहले तो ये समझ लो इन सीरीज का यूज़ कैसे होता है। चलिए अच्छा, अब मैं इसका प्रूफ तो SN वाला हो गया, ये AP है, क्या ये AP बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, क्या ये GP बन रही, बिल्कुल नहीं बन रही है, इसीलिए इनके लिए लगा दिया स्पेशल सीरीज हैं ये। अब आप कहेंगे सर ये AP बन रही थी इसमें क्यों, ये तो कुछ भी स्पेशल नहीं है ना, आप सोच रहे हो ना कि सर इसमें क्या स्पेशल, ये स्पेशल नहीं है, लेकिन इन पर स्क्वायर लगा दिया, इन पर क्यूब लगा दिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि सर इनके स्क्वायर का सम क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें दूसरे वाले का प्रूफ बताऊंगा आपको, तीसरे का सेम वैसे ही आप लोग कर लेंगे। तो यार इनका प्रूफ मैं सेकंड वाले का बताने जा रहा हूँ, मतलब मैंने काफ़ी इस पर थोड़ा बहुत ज़्यादा तो रिसर्च क्या बोलूँगा खैर, मतलब स्टडी करी है डिफरेंट बुक्स में से, तो बड़ा पिक्यूलियर सा इसका प्रूफ दिखा है, इसके प्रूफ में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके इसका प्रूफ निकाल पाया है। मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक इंडक्शन मेथड होता है और एक हमारा एक और होता है मेथड डिडक्शन मेथड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग PMI में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब कोई प्रूफ दिया गया है और उसको 1, 2, 3 लेके एक एक वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। किसी में क्या होता है कि एग्जांपल लेके हम किसी को प्रूफ करते हैं, जैसे किसी ने आपसे ये कह दिया कि a² + b² + 2ab = a + b² होता है, अभी पक्का नहीं है कि ये हमारा प्रूफ सही है या गलत है, हम सारी वैल्यू पुट करके एक एक करके चेक करेंगे कि ये सही है या फिर गलत, इसको कहते हैं मैथड ऑफ इंडक्शन मैथड कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडक्शन मेथड कहते हैं इसको। तो ऐसे अब इसका प्रूफ कैसे किया गया सेकंड वाले का, तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई n³ और n-1³ को सॉल्व किया, सब बताएं क्यों किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार में इसको लिया था, कई सारे उन्होंने ऑपरेशन किए होंगे तब जाके इससे आंसर निकल गया था, देखते हैं कैसे। चलिए इसका ओपन करते हैं, इसको मैं साइड में ओपन करके दिखाता हूँ आपको, n³ प्रूफ चल रहा है, ठीक है ये, तो n-1 का होल क्यूब खोलते हैं,
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और एन माइनस बी है। तो ये एन क्यूब माइनस ने अंदर एंट्री मारी, माइनस का एन प्लस का वन प्लस का थ्री एन स्क्वायर और ये माइनस का थ्री एन, तो एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल हो गया। तो क्या मैं इसकी जगह थ्री एन स्क्वायर माइनस का थ्री एन प्लस का वन लिख सकता हूँ? क्लियर है। अच्छा, अब उन्होंने सम कैसे फाइंड किया? उन्होंने क्या कहा कि भाई एक बार कहा कि एन की जगह वन पुट करो, जहाँ पूरे में एल एच एस में आर एच एस में। चलो वन का क्यूब, एन की जगह वन पुट किया, वन से बन गया जीरो, जीरो का क्यूब, ये थ्री वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस का वन। क्लियर है। फिर कहा एन की जगह टू पुट करो, तो टू का क्यूब माइनस वन का क्यूब टू स्क्वायर, ठीक है जी। एन की जगह थ्री पुट करो, थ्री का क्यूब, ये टू का क्यूब समझ आया ना, थ्री एन की जगह थ्री, थ्री से बन गया टू, तो थ्री थ्री का क्यूब स्क्वायर। ऐसे ही कब तक करोगे? ऐसे ही उन्होंने कहा एन रखते हैं एन की जगह पे, तो एन क्यूब अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है सर। अब देखो प्लस का वन क्यूब माइनस का वन क्यूब, ऐसे ये कैंसिल हो रहे होंगे। अब ऐसे सारे लिखेंगे तो है नहीं हम लोग, अब कोई वजह सोच कि सर ये किससे आपने कैंसिल कर दिया हवा हवा में, अरे यार लिखोगे तो इसके ऊपर जाते ये सब कैंसिल होंगे। तो क्या क्या बचा हमारे पास? हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास जीरो का क्यूब बचा और ये बचा, जीरो का क्यूब तो लिखना बेवकूफ़ी है, तो ये एन क्यूब। अब अगर मैं इसे ऐड करूँगा, देखो इस अगर मैं जब ऐड करते हैं तो इस टर्म से ये सारा टर्म ऐड होगा, इससे ये वाला होगा, इससे ये वाला होगा, सही बात है। तो जब इससे ये वाला टर्म ऐड होगा तो थ्री कॉमन लेकर अंदर क्या बचेगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर, येस और नो? ऐसे इसको करेंगे तो माइनस का थ्री कॉमन लेकर अंदर बचेगा वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 एन, और ऐसे वन को कब तक लिखेंगे, वन प्लस वन कब तक, एन टर्म्स तक। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। क्लियर है। चलिए अब यार कायदे में हमको यही तो वैल्यू फाइंड करनी, देखो इसी यही तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसी की यही तो हमको फाइंड करना। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए कि यार इसको बार बार नहीं लेंगे, इसको बोलते थे एस एन है मान लो ये, या ए लेट कर लो, बी लेट कर लो, कुछ भी कर लो, एस एन इसलिए लेट के सम की बात आ जाएगी, बाकी ये सब इस तरफ आ जाएंगे। चलिए ये एन क्यू है, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका होता है, प्लस का थ्री। अच्छा देखो वन प्लस टू प्लस थ्री एन की जगह क्या ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो जरा, तो थ्री एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब ये इस तरफ आएगा तो किसका होता है, माइनस का। अब वन को एन बार ऐड कर रहे हैं तो एन ही आंसर आ जाएगा, वन प्लस वन को एन बार ऐड कर एन आ जाएगा। जो कमजोर बच्चे हैं जिनको ये बात समझ नहीं आई तो ऐसे कर लें यार, ये ए पी वन नहीं है, जी पी भी है, कैसे भी सम फाइंड कर लो इसका। क्लियर है। इधर कितना बचा, थ्री एस एन। क्लियर है। चलिए टू एल सी एम आया हमारे पास, तो ये होगा एन क्यू थ्री एन स्क्वायर प्लस का थ्री एन माइनस का एन इक्वल्स टू थ्री एस एन। ऐसे समझ गए ना क्या है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर। तो चलिए ये एन क्यू प्लस का थ्री एन स्क्वायर प्लस का टू एन। अच्छा ये थ्री इस तरफ आएगा तो थ्री टू या सिक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब ये बन गया क्लास नाइन्थ का क्वेश्चन। भैया आप इसके अगर देखो यहाँ से एन कॉमन आ रहा है, चलिए तो एन स्क्वायर, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक, बच्चे तो होने, इसका फैक्टर कर लेना एन प्लस वन, ये ही आएगा, करके देख लेना। तो इस तरीके से हमने वन स्क्वायर वाले का प्रूफ कर लिया। देखो मैंने कितनी मतलब बुक में देखा, आपको समझा दिया पाँच मिनट के अंदर, लेकिन जिन्होंने इस फॉर्म में प्रूफ किया था उनकी तो काफ़ी साल लग जाते हैं बच्चों रिसर्च करने में उनको। ये थी हमने तो आपको बुक्स से देख के, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो आप लोग सोचते हैं हमने कितनी बड़ी बात कर ली, कुछ नहीं बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने इस इक्वेशन को सोचा होगा कि यार इसको सॉल्व करो तब ये कुछ कुछ जुगाड़बाजी होगी। क्लियर है। ऐसे ही क्यूब वाले का कर लेना, एन की पावर फोर माइनस एन माइनस वन की पावर फोर सॉल्व करना, ऐसे ही सब करते जाना तो उसमें आ जाएगा। क्लियर है।
क्लियर है। तो इस तरीके से पहले तो देखो प्रूफ, किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी अच्छे या बुरे जैसे स्कूल देखे सारे अच्छे होते हैं, तो कहीं पर भी इनका प्रूफ नहीं पूछा जाता। इवन 90% टीचर भी प्रूफ नहीं बताते हैं आप, इवन मैं बोल रहा हूँ 90%, 10% है कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं जो प्रूफ भी बच्चों को बताते हैं। बट आप देखो क्या डाउट हुआ इसमें दबा के कि सर ये डाउट हुआ। एग्जाम्पल